हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईसीएआर में जो आपकी टॉप 15 यूनिवर्सिटी हैं उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आप उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सेफ हैं और उनका क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं जो नए नए अभी आईसीएआर का एग्जाम दे के आए हैं, तो उन्हें कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए ताकि आप भी जब भी एडमिशन लो तो फीस वगैरह पहले जान लो, कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, सो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले एक बेसिक चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने नंबर आने पर हमें बीएससी एजी मिल जाएगा आईसीएआर से। तो बीएससी एजी के लिए मैं बेसिकली आपका यहाँ कट ऑफ डिस्कस करूँगा। ठीक है, उनसे आप जो भी आपका कोर्स है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, उनसे थोड़े थोड़े नंबर कम कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी मैंने सभी कोर्स का क्या कट ऑफ जाएगा वो वीडियो डाल दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, तो वहाँ जाके एक बार आप वो वीडियो देख ले ताकि आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स के कट ऑफ के बारे में एकदम अच्छे से आइडिया हो जाए। तो सो वीडियो वो अच्छे से देख लेना एक बार। तो बेसिक बात ये है कि अगर आपके 600 का पेपर था भाई, ठीक है, 600 में आपका मान लो 12th में किसी का एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री था, तीनों मिलाकर 200 का है। अगर तीनों में से किसी के 350 के समथिंग नंबर आ रहे हैं तो देन है उसको 100% बीएससी एजी मिल जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आप जो भी अपनी कैटेगरी है उनके हिसाब से थोड़ा नंबर कम कर लेना। ठीक है, सेफ स्कोर हमेशा जनरल कैटेगरी के लिए ही बताया जाता है। ठीक है, तो 350 तक आप देख सकते हैं कि सेफ है। ठीक है, 350 से कम आता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है एक बार रैंक कार्ड आ जाए तो उससे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, रैंक कार्ड आने के बाद में अगर आपका 5000 के अंडर में रैंक है तो आपको बीएससी एजी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और टोटल सीट को लेके काफ़ी दोस्त परेशान हैं, तो टोटल लगभग है ना 4300 के समथिंग सीटें हैं आईसीएआर में, जो सारे कोर्सों को मिलाकर, और 11 कोर्स आपको मैंने बताया था कि आईसीएआर में चलते हैं, कौन कौन से किस कोर्स में स्टूडेंट जा सकते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर आप एक बार चेकआउट जरूर कर। ठीक है, तो अब हम यूनिवर्सिटी के रैंक वाइज अलग अलग कट ऑफ जानते हैं। सो अच्छे से ये चीज़ें आप समझ गए कि आपके लगभग 300 प्लस नंबर हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, कि आपको कोई ना कोई कोर्स है वो बीएससी एजी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह मिल जाएगा। अगर आप बायो में हैं, मैथ में हैं, तो अगर आपके 200 प्लस नंबर है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। सो अब हम बात करते हैं आईआर के बारे में। सबसे पहले और सबका टॉप, सबसे टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है आईआर है। न्यू दिल्ली की मैं बात करूं तो अगर आपके 504, देखो मैं यहाँ थोड़े नंबर आपको ज़्यादा बता रहा हूं, ठीक है, आप 5-10 नंबर कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, इसके नीचे ही जाएगा, जो भी कट ऑफ जाएगा इससे नीचे आप तय कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आईआरआई के लिए मैं बात करूं तो जिनके भी 530 से 550 के बीच में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 550 तक, और जो SC ST कैटेगरी से हैं तो उनके 500 तक नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आईआरआई न्यू दिल्ली मिल जाएगा। उसका रैंक बता दूं, 100 से 130 में अगर आप OBC EWS जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और बात करूं मैं SC ST की तो 400 से 700 के बीच में अगर आपका रैंक है तो डेफिनेटली आपको आईआरआई है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर एक बार आप देख लेना, इस नंबर पे आपका यही रैंक जाने वाला है। सो अच्छे से देख लेना, लगभग आपका 550 के समथिंग स्कोर है तो आपको आईआरआई मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करूँ मैं फीस से, फीस में बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है तो फीस में बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़ है कि आपका आईआरआई में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जो आपको आईसीआर 3000 रुपये पर मंथ देता वो आईआरआई में अब तक नहीं मिलती है। ठीक है, फीस है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का 17000 रुपये है, लगभग लास्ट ईयर यही लगा था, हो सकता है इस बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद में आपका 8000 के समथिंग पर सेमेस्टर लगने वाला है। ठीक है, तो देख लेना, फर्स्ट टाइम आपका लगभग 20000 के समथिंग लगेगा, उसके बाद में 7-8000 है वो पर सेमेस्टर लगेगा, तो फीस कोई ज़्यादा है नहीं। और दिल्ली जैसे शहर में रह के आप इतनी कम फीस में पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ठीक है, देन आगे हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ, एक और है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भाई मान लिया आईआरए न्यू दिल्ली का तो हो गया, ठीक है, न्यू दिल्ली का तो हो गया कि 550 तक हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो और भी आती है, जैसे आपका असम है और आपका झारखंड है,
तो इनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लगभग 470 के समथिंग नंबर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 470 तक आपका सिलेक्शन है वो इन यूनिवर्सिटियों में हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीस है, वो सबका तीनों का सेम ही रहने वाला है। सीटें हैं वो 60-60 है BSc AG के लिए तीनों में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर IRI के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो आपको मिल जाएगा इसी YouTube चैनल पे, अच्छे से वो वीडियो अच्छे से देख लेना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो IRI के बारे में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात BHU में बच्चे परेशान हैं, तो इसमें 154+50 यानी कि कहने का मतलब है कि 200 सीटें आपकी ऐसी होगी जिनमें एडमिशन आपका किसके थ्रू होगा, CUET से सीधा BHU की काउंसलिंग से होगा। बाकी 30+ या 32 के समथिंग लास्ट ईयर सीटें, 32 ऐसी सीट हैं जिनमें आपका एडमिशन है वो ICAR की काउंसलिंग से होगा। तो हम यहाँ पर 32 सीट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो BHU की कट ऑफ के बारे में बना रखा है। सो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो 32 सीट के लिए आपका कट ऑफ क्या जाएगा और फीस क्या रहेगा, तो उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो फीस है वो आपका जाएगा 20,000 से 25,000 पर ईयर होता है BHU का, ठीक है। SC ST कैटेगरी में 600 से 800 के अंडर में आपका रैंक है ओवरऑल, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC जनरल EWS में अगर आपका 150 से 250 के बीच में ओवरऑल रैंक आता है, देन तम जाके आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है वो ICAR के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। सेप स्कोर की बात करूँ तो मैं 530+ जिसके भी नंबर हैं उनका ICAR के थ्रू BHU में सिलेक्शन होने के 100% चांस है, ठीक है। अब हम अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो आती है GVPUT। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके परेशान है कि इस बार ये यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो स्पष्ट आपको बता देता हूँ कि इस बार ये यूनिवर्सिटी आपका पार्टिसिपेट करेगा। लास्ट ईयर इसका एक्रेडिटेशन समाप्त हो चुका था लेकिन अब इसको वापस मिल चुका, देन ये यूनिवर्सिटी इस बार आपका पार्टिसिपेट करेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फीस के बारे में इसका बात करूँ तो 50,000 रुपये आपका पर ईयर लगने वाला है। सेप स्कोर की बात करूँ 520+ जिसके भी नंबर है वो GVPUT के लिए सेप है। SC ST के लिए बात करूँ 700 से 900 के अंडर जिनका भी रैंक है वो GVPUT के लिए सेप है। जनरल EWS के OBC के लिए UR रैंक अगर आपका 250 के समथिंग आता है, देन आपका GVPUT में सिलेक्शन होने के 100% चांस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके भी 520+ नंबर आ रहे हैं वो GVPUT के लिए एकदम सेफ है, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिनको भी ICAR की पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर बात करूँ 2022 की, तो 50 में से 48 स्टूडेंट सेलेक्टेड है। देन अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छी जगह जाना है, देन हमारा पेड काउंसलिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत हो तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देन ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ज्वाइन किया है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं एक अच्छी कॉलेज के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं PAU लुधियाना के बारे में, ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो देखो इनका कट ऑफ है, आपको लगेगा कि PAU में मतलब एग्रीकल्चर की स्टडी में देखें तो PAU बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम आता है, इसका फीस बहुत ज़्यादा है। 1,05,000 रुपये आपका पर ईयर फीस लगने वाला है, जो आपका हॉस्टल और कॉलेज फीस मिला के हैं, देन आपका फूड चार्ज है अलग लगेगा, यानी कि 1.5 लाख के समथिंग आपका पर ईयर जाएगा, ठीक है। सेप स्कोर 520+ है, अगर आपके 300 के समथिंग ओवरऑल रैंक आता है, 520+ नंबर है, देन आप PAU में एडमिशन ले सकते हैं, एकदम आप सेफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, तो इनके बारे में कट ऑफ है, इसका फीस कम होने की वजह से इसका कट ऑफ 520+ जिनके भी नंबर हैं वो सेफ है, ठीक है। 250 के समथिंग ओवरऑल जिनका भी रैंक आ रहा है तो उनका सिलेक्शन है वो हिसार में हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और एग्रीकल्चर के लिए एक हब माना जाता है, ठीक है। तो इसका फीस है वो 18,000 से 20,000 रुपये आपका पर ईयर लगने वाला है। कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 520+ जिनके भी नंबर है वो देन चौधरी चरण सिंह के लिए एकदम सेफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं US बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बेंगलुरु में स्थित है, तो इनके लिए आपका कट ऑफ है वो 1500 से 1800 के बीच में है, जिनके भी 430+ नंबर है वो सेफ है। अब आप सोचोगे यार इतना टॉप का यूनिवर्सिटी होते हुए भी कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा, देखो फर्स्ट चीज़ है इसका फीस है वो ज़्यादा है, ठीक है। PAU में सीटें कम है लेकिन इसमें थोड़ी सीटें ज़्यादा है, और PAU
हर स्टूडेंट है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसका फीस 70,000 के समथिंग है, थोड़ा आउटर हो जाता है, तो नॉर्दर्न स्टूडेंट होते हैं इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट गर्ल्स होता तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करते, साउथ का होता है, आप बेंगलोर साइड में होते तो आप देख सकते हैं, तो लेकिन इसका कट ऑफ है वो हर बार इतना ही जाता है, अगर आप 1500 से 1800 के बीच में हैं तो आप सेफ हैं, और सेफ स्कोर 430 के समथिंग अगर आपके नंबर है तब जाके आपका रैंक है वो 1500 से 1800 तक बनेगा, हो सकता थोड़ा 1500 के अंडर में भी आ जाए, वो डिपेंड करता ओवरऑल स्टूडेंट का जो भी परसेंटाइल बेस मार्क्स होंगे उन पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तमिल कोयम्बटूर तमिलनाडु में, उनका फीस है वो आपका 50,000 से 55,000 रुपये पर ईयर लगने वाला है, ठीक है। सेप स्कोर जिसके भी 425 प्लस स्कोर हैं वो सेप है, एससी एसटी कैटेगरी में 2500 से 3000 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1500 से 2000 तक आपके सेप स्कोर है, ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर है। अब हम बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुजरात में, इनका कट ऑफ है वो कम जाता है क्योंकि इसका फीस कम है और हर स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को प्रिपेयर करना चाहता है, क्योंकि गुजरात की यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर में आना मतलब 2-3 साल में देखे तो बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, तो इनका ऑलरेडी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर आप बात करूँ मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो लास्ट ईयर लगभग 600 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, इस बार मान सकते हैं आप 600 से 800 रैंक तक आपका आनंद में सिलेक्शन हो जाएगा। सेप स्कोर की बात करूँ तो 470 प्लस इसके नंबर हैं, तो वो आनंद के लिए एकदम सेफ है, फीस है वो 20,000 से 25,000 रुपये आपका पर सेमेस्टर लगने वाला, ठीक है। देन बात करते हैं सेस के पालमपुर के बारे में, श्रवण कुमार, ठीक है, तो ये आपका हिमाचल में स्थित हैं, इनका कट ऑफ है 500, मतलब जिनके भी रैंक 500 से 600 के अंडर में हैं वो सेफ हैं, ठीक है, मतलब इसकी सीटें कम है, 475 प्लस जिसके भी नंबर हैं वो श्रवण कुमार के लिए एकदम सेफ है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, और हिमाचल प्रदेश में देख के थोड़ा एरिया देख के ही लोग इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर इसके बारे में इतना नहीं सोचते क्योंकि हिमाचल का एरिया आप खुद समझते हैं कैसे होता है, ठीक है, तो उनको देख के 475 प्लस जिनके भी नंबर है वो मतलब 450 तक भी आप खुद को एक बार सेफ मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपका बिल्कुल भी कट ऑफ जाने वाला नहीं है, देन इसके अंडर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीस की बात करूँ तो 65,000 से 70,000 रुपये आपका पर ईयर लगने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में स्थित हैं, जिनका फीस आपका 65,000 से 70,000 रुपये है, ठीक है। सेप स्कोर की बात करूँ मैं 450 के समथिंग जिनके भी नंबर हैं वो सेप मान सकते हैं खुद को, ठीक है। अब हम बात करते हैं नवसारी गुजरात के बारे में, नवसारी गुजरात में आपके 440 प्लस सेप स्कोर है, फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं 20,000 रुपये आपका 20 से 25,000 रुपये पर ईयर लगने वाला है, 440 के समथिंग आपके नंबर है देन आप सेप है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम भी मान सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया मैं थोड़ा स्कोर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसके अंडर में आपका सिलेक्शन है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बात करूँ मैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को लेकर एक्साइटेड हैं, तो इस यूनिवर्सिटी का आपका सेप स्कोर है 450 प्लस, तो मान के चलो 460 मैं मान रहा हूँ, ठीक है, फीस है वो बहुत कम है 15 से 20 है, तो वो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें थोड़ा बहुत आपका ओबीसी में कट ऑफ है, ओबीसी जनरल में नीचे देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें अलग अलग होती हैं, आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है उनमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, तो उनके कंपैरिजन में आप हैं वो थोड़ा कम कर सकते हैं, 440 तक मान सकते हैं, जिनका भी 430 प्लस है वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक बार अपने खुद को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूएस धारवाड़ के लिए, तो धारवाड़ के लिए देखो धारवाड़ और आपका आचार्य एनजी रंगा, ठीक है, और शेरे कश्मीर, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इनके लिए मैं एक बार सेफ स्कोर के बारे में बात करूं तो जिनका भी 400 प्लस स्कोर है वो खुद के लिए एक बार सेफ है, और रैंक की बात करूँ तो 3000, ठीक है। आचार्य एनजी रंगा लास्ट ईयर मैंने ही एक पेड काउंसलिंग में स्टूडेंट था, 3000 रैंक तक आचार्य एनजी रंगा मिला है, तो 3000 रैंक तक आपका लगभग 380 से 400 के बीच में स्कोर होगा, ठीक है, तो मान सकते हैं कि 400 तक आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। जिनको भी शेर कश्मीर वगैरह ये चाहिए तो उनका लगभग 400 के समथिंग स्कोर, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मान सकते हैं, तो उनके समथिंग जिनका भी स्कोर है तो वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। फीस के बारे में सबका एक बार बता देता हूँ, ठीक है, आपका धारवाड़ का फीस है लगभग 70,000 रुपए पर ईयर है लगेगा, ठीक। आचार्य इंजीनियरिंग का 30,000 रुपए आपका पर ईयर फीस होगा, और बात करूं मैं शेर कश्मीर, जो कश्मीर की दोनों यूनिवर्सिटी है उनका फीस है वो 55 से 60,000 के बीच में पर ईयर लगने वाला है, जिसमें आपका हॉस्टल है, जो मैंने यहाँ फीस बताई है वो आपका कॉलेज फीस प्लस हॉस्टल साथ में बताए हैं, देन आप फूड चार्ज अब अलग से 30 से 40,000 रुपये पर ईयर मान सकते हैं, 50,000 जो भी फीस होता है उनके अलावा आप खर्चा मान सकते हैं, मान लो किसी यूनिवर्सिटी का फीस जीबीपीयूटी का 50,000 फीस है तो उनमें 50,000 तक आप ऐड और कर सकते हैं, यानी कि 1,00,000 के समथिंग आपका पर ईयर है वो
खर्चा होगा, ठीक है। तो ये मैंने टॉप 15 यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आपको बता दिया, आपका सेप स्कोर बता दिया, ठीक है। आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए, अगर सभी यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए तो एक अलग से वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सो ये वीडियो में भी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। किस वीडियो की जरूरत है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपका कितना स्कोर है वो भी एक बार कमेंट करें, ठीक है। मिलते किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।